वंस अगेन दिस इज डिकी हियर। मैं आज फिर से उस टॉपिक पे डिस्कस करना चाहती हूँ, सॉरी, दैट इज बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, बट अनदर एस्पेक्ट ऑफ इट। आजकल देखें तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं व्हेन वी आर ड्राइविंग, बट इधर हमारा फॉल्ट है कि नहीं है, बट स्टिल सम हाउ वी हैव अ एक्सीडेंट, बट वी मीट थ्रू अ एक्सीडेंट, राइट? व्हाई डज दैट हैपन? बिकॉज वी आर नॉट बीइंग अटेंटिव, और हम प्रॉपरली सारे जो ट्रैफिक रूल्स है वो फॉलो नहीं करते हैं, राइट? देखा जाए तो कोई भी, जबकि राइट हैंड साइड से ओवरटेक करना चाहिए, जल्दी जल्दी में वो लेफ्ट हैंड साइड से ओवरटेक करते हैं बिना ये सोचे कि आगे जो इंसान जा रहा है या बाजू में जो इंसान व्हीकल चला रहा है वो उसको एक इफेक्ट देता है कि जिसके कारण उसका बैलेंस लूज हो सकता है और उस बंदे का एक्सीडेंट हो सकता है, राइट? हम ट्रैफिक सिग्नल, रोड पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग है उसके पहले स्टॉप लाइन होती है, कभी हमने ये सोचा है कि वो क्यों बोल रहा है, क्यों बनाया गया है, राइट? देयर हैज़ टू बी सम सेंस टू इट। ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो होती है वो जो लोग चल के जाते हैं उनके लिए होती है, ना ही अपने व्हीकल्स वहाँ पे स्टॉप करने के लिए। सो मेक श्योर कि हम हमारे व्हीकल्स स्टॉप लाइन पे रखें, स्टॉप करें, और उस वक्त वी मेक श्योर वी टर्न ऑफ आवर इंजन्स, राइट? एंड सेकेंड थिंग, डू नॉट ड्राइव, रैश ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए व्हेन यू आर ड्राइविंग द सिटी। मेंटेन द स्पीड ऑफ 40 और 50 एंड नॉट गो अबव 60, 70 और लाइक दैट, which is going to be dangerous for yourself, for your life, and for the other people around you, those who are driving. And do not do unnecessary honking. Make sure, agar aage traffic hai, to please wait kijiye, let the traffic go, and then you move on. Do not do noise pollution. Okay? Thank you.